अपना जीत का दावा कर रहे हैं? 100% हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मेहनती कैंडिडेट है और बहुत ही ईमानदार है, और अभी तो लहर भी बहुत ज़्यादा है, तो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और महिलाओं के लिए बहुत टाइम से काम करते आए हैं। सिंबल पे चुनाव लड़ रही है, वो भी निकाय चुनाव लड़ रही है, जी जी मान रहे हैं हरियाणा सरकार के सामने जिस प्रकार गठबंधन सरकार है, हर रोज जो समीकरण चेंज हो रहे हैं। नहीं नहीं देखिए, आम आदमी पार्टी किसी को अपनी चुनौती नहीं मानती, क्योंकि उसका चलने का काम करने का तरीका ही एक अलग है, क्योंकि पहली आम आदमी पार्टी पहली एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसमें कोई राजनीति नहीं होती, ये सचमुच एक आम आदमी की पार्टी जिसके लिए देश सबसे ऊपर है। मैम, जिस प्रकार से कलाकार लगातार आम आदमी पार्टी में, क्या कारण मान रही है इसके पीछे, क्या खास बात है, क्योंकि देखने को मिल रहा है आपके बाद ज्वाइन बहुत सारे कलाकारों ने जो ज्वाइन किया है। जी जी देखिए, हर इंसान की अलग सोच होती है, अलग तरीके से आता है, लेकिन जिस सोच से मैं जुड़ी हूँ वो मैं बताती हूँ कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को अन्ना आंदोलन से फॉलो करती आ रही हूँ, और जो पिछले दिनों पंजाब में चुनाव हुए थे उसमें जो महिलाओं को जो मान सम्मान दिया, खासकर कलाकार महिलाओं को, तो उससे मैं बहुत प्रभावित थी, इसीलिए मैंने आम आदमी पार्टी। आपको बीजेपी में सम्मान नहीं मिल पाया, वो आम आदमी में मिल पाएगा आपको जो? नहीं नहीं देखिए, आप खुद ही देख लीजिए कि कितना भेदभाव करती है सरकारें, आज तक जो पहले रही हैं, 75 साल होने वाले हैं भारत को आज़ाद हुए, और 56 साल होने वाले हैं इसको हरियाणा को बने हुए, और आज भी हरियाणा सरकार का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि सिर्फ एक ही महिला मंत्री है, कमलेश ढांडा जी, तो ऐसा क्यों, हमारी बात ऊपर तक कैसे जाएगी? किन मुद्दों को लेकर के जो है आम आदमी पार्टी आई है उसमें? देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं, तो मैं बात महिलाओं की ही करूँगी। हरियाणा में आपने, आप सबने भी देखा होगा कि अब तक महिला सुरक्षा मुद्दा क्यों नहीं बन पाया है, ये तो सबसे पहले होना चाहिए, हमारी बहन बेटियाँ सबसे पहले महफूज होनी चाहिए। मैं मेरी ही बताती हूँ कि जब भी मैं स्कूल से घर वापस लौटती थी तो मेरी माँ गेट पर खड़ी मिलती थी, और उसके माथे की लकीरों में चिंता साफ जाहिर होती थी, तो मैं समझ सकती हूँ कि जितने भी माताएं हैं, चाची ताइयाँ हैं, उनकी जब बेटियाँ घर से बाहर जाती हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, तो मुझे पता है कि उनके दिल पर क्या बीतती है, ना ही तो यहाँ पे सफ़र फ्री है, ना ही मोहल्ला क्लिनिक है, ना ही शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य किया सरकार ने, ना ही कोई सेफ्टी के क्षेत्र में कार्य किया कि भी कोई महिला कमांडो हो, तो हम तो अपने आप को महफूज कर ही नहीं रहे। कल भी नॉमिनेशन होने हैं, कितने नॉमिनेशन तक आप नहीं देखिए, ये पहला था मेरा, और आगे अभी उचाना है, जाते टाइम है, तो अभी चल रहे हैं, चलते रहे। जैसे कि आज जो है बीजेपी चेयरमैन पद का जो है नाम घोषित हो चुका है, और एक मजबूत दावेदार सामने डॉक्टर राजसैनी, हाँ जी, पुत्र वधू, तो क्या लगता है कि आपको इससे कोई टक्कर? देखिए आम आदमी पार्टी की शुरू से ही रही है कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने धुरंधर जो होते हैं उनको हराया है, ना कि एक आम आदमी को।